पाकिस्तानी आवाम ने आपको वजीर आजम के ताज से नवाजा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया पाकिस्तान। कच्ची सुपारी मीठा पान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर के मुद्दे ने बिलाल खान को पाकिस्तान के आवाम ने वजीर आजम के ताज से नवाजा है। अब देखना ये है बिलाल खान अपने सहयोगी हसन कमाल को किस ओहदे से नवाजते हैं। मैं जोया शेख, पाकिस्तान न्यूज से। हमारी पार्टी के अगले हाई कमान वो शख्स होंगे जनाब हुसैन मलिक। शुक्रिया। जनाब, सियासत कहती है कि सबसे पहले उसे मात दो जिसका कद तुमसे बड़ा हो, और यह भी मैंने आप ही से सीखा है। कुर्सी पर तशरीफ जमा के बैठिएगा बिलाल शेख साहब, क्योंकि तशरीफ की दूरी जमीन से ज्यादा नहीं होती। जानते हैं जनाब, इसलिए हमारी नजर इंसान के हाथों पर नहीं, हमेशा उसकी गर्दन पर होती है। खुदा हाफिज। यह नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं, गद्दारी मसूद मियां। ओहदे की गर्मी जब ज्यादा हो जाती है ना, तो इंसान दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेने लगता है, और उसे उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। लेकिन ये कीमत वसूलेगा कौन? हाफिज खान। जनाब, ये वो अफगानी है जिसे अफगानिस्तान सरकार ने सजाए मौत मुकर्रर की है। हत्या, डकैती और रेप। जिहाद के बदौलत अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करे। नाम? अफजल जनाब। तबरेज। इकबाल। फिरोज। आदिल। दिलशाद। मिराज। सहसान। हैदर। मुस्ताक। जैफ। कैंप में बहाल कीजिए, इन लोगों के रगों में इतना खौफ भर दो कि दुश्मन इनकी शक्ल देखते मर जाए। जनाब चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन कमाल साहब, कुत्तों की दहशत जब शहर में फैलती है तब लोगों को अक्सर शेरों की याद आती है। हाफिज साहब,
एक बार लूटी हुई असमत वापस आ जाए, खुदा कसम बिलाल खान की तकदीर तो मैं लिखूंगा, और ऐसी तकदीर लिखूंगा कि खुदा के पहले मुझे याद करेगा। गद्दारी करने के पहले हजार बार सोचेगा। महलों में चाहे कितनी भी मजबूती क्यों ना आ जाए, घर की बुनियाद को हिला नहीं सकते। तो फिर आज से नए नारे का आगाज करिए, सूखी सुपारी, मीठा पान, हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान। वेलकम सर। नए यूनिट के शिलान्यास के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर, हमारे पड़ोसी मुल्क से एक नारा आया है, सूखी सुपारी मीठा पान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे प्यारे जवानों, कर्नल साहब ने भी बताया कि पड़ोसी मुल्क से एक नारा आया है, सूखी सुपारी मीठा पान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मैं अपना नारा पड़ोसी मुल्क तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो हमारा भी एक नारा सुन लें, सफेद चूना और मीठा पान इतना ठोकेंगे कि सीधा जाओगे कब्रिस्तान। सर, कश्मीर पे जोरदार दावा है। भ्रम है उनका ब्रिगेडियर साहब, हम हिंदुस्तानी अपने बगल की कुर्सी किसी को ना दें तो कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। मत भूले पड़ोसी देश कि हिंदुस्तान किसानों और जवानों का देश है। अगर हमारे जवान चाह ले अपनी मुट्ठी कसकर दबा दे तो देश और दुनिया का नक्शा तक बदल जाएगा, और हमारे किसान अगर चाह ले तो कितनों के पेट और शक्ल तक बदल जाए, क्योंकि हमारा तो यही नारा है, जय जवान जय किसान, भारत माता के जय। हमर भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करी ले, बड़का भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करी ले, हमर भैया वतन के सिपाही, ओ फौजी भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करी ले। भैया बॉर्डर पे हो, भैया बॉर्डर पे खूनवा बहावे, हम पसीनवा बहावल करी ले, हमरे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करी ले। भैया के सिर जंगी टोपी के सरिया शोभे, हमारे सिर पे किसानी का पगड़िया शोभे, भैया हम फसलिया कट
जवानवा बहनी घरे आवतानी हो छुट्टी मिलल बा ए बहनी घरे आवतानी हो तोहरा खती दी साथे हो तोहरा खती दी साथे लावतानी हो छुट्टी मिलल बा ए बहनी घरे आवतानी रे अब की आवतानी ना तब बधाई के संगे संगे तोरा खतरे को दूल हो खोजे तानी आ तोर शादी करा दे तानी समझ ले ये वतन परिस्थिति भी कमबख्त बड़ी मगरूर चीज है कटती है लेकिन मरती नहीं है वंदे मातरम् बेटा का भेल माजी का भेल माजी बेटा लोग के आहट अम्मा जी के कैसे बुझा जाला इकरे के कहल जाला दिल के रिश्ता गाड़ी चल चल के देखा जा से प्रणाम भाई खुश रहा बेटा प्रणाम भैया सलीम शहीद हो गए देवरकरण कैसे बढ़े ठीक बा लोग माई विजय भैया कैसे बढ़े वो भी ठीक बढ़े चाचा सलीम शहीद हो गए ले छुट्टी मिलल बा ए बहनी घरे आवतानी हो लेकिन अफसोस ही बात के बा कि उनका आखिरी दर्शन भी ना हो पाई कहे की शरीर में धड़बा लेकिन सर नहीं है दुश्मन लोग उनका सर काट के ले गए ले भाई जान के भूले के बीमारी अब्बू ईद पर
ईदी भुला जात रहले। आज सरहद पर अपन सर भुला के आ गईले। अरे बेटवा, बस हमरा के एक बात बतावा कि हमार हमार बेटवा के सर काट के दुश्मन का कैले रहले रे। यह बतावे खातिर ले गए लोहिया से कि हिंदुस्तान के जवान सर कटा सकेला लेकिन झुका ना सकेला। आज एक जवान का सर कटने से जनता में आक्रोश रहा है, तो चलिए जानते हैं विपक्ष दल के नेता मिठाई लाल यादव जी की राय। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या कहूंगा, बोलिए। ये आप लोग 50 साल पुराना घिसा पीटा सवाल पूछ रहे हैं। जनता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। भाई जनता में आक्रोश है तो मतदान के समय आक्रोश कहाँ गायब हो जाता है? सरकार चुनिए ना अच्छी, घटिया सरकार चुनी है आप लोगों ने। अगर हम सत्ता में होते तो एक एक सर के बदले 10-10 सर काट कर ले आते। एक मिनट। जी जनाब। कैसी रही? जनाब वैसे ही, यहाँ सत्ता पक्ष के लोग कुर्सी को लंगोट में बात कर बैठे हैं। उन्हें डर है कि कहीं कुर्सी के साथ साथ लंगोट भी बाहर ना आ जाए। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। क्या बात है जनाब, अगर ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसा होगा। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके। अगर हम सत्ता में होते तो एक एक सर के बदले 10-10 सर काट कर ले आते। एगो बात बोली मैडम। बोला। नेता मिठाई लाल यादव कहता ना, एक जवान आदमी के सर के बदले 10 आदमी के सर कटी हैं। पहले खेत के फसल काट लेस, फिर बाद में लोग के गर्दन कटी हैं। एकरे के कहल जाला सत्ता सुख। एकदम सही, ऊपर से नीचे तक आराम ही आराम। पांडे जी, वैसे आपका सोचा था नहीं, कबो हमरों के मालिश करे के मौका ना मिली का। होला, पर का करी, दर्द छुपावे के पड़े ना। और हाँ, दर्द के छु गांव के का हाल खबर बा? सब ठीक बा। खा ठीक बा? जब से सलीमवा का लाश आयल बा गांव में, तब से गांव के लोग हमनी के कुत्ता समझ रहल बा, कुत्ता। जूता जब आपन जगह छोड़ देला तब ओकर औकात बतावे के पड़ेला। नेता तबले बा जबले वो चर्चा में बा, वरना पब्लिक पर्चा फाड़ के फेंक दी, समझला? महारानी, आगे का प्लान बताई, आगे का प्लान बा? साला चाटा खाके हमार दिमाग भी चटा गेल बा। तो सुन, दुगो पैकेट बना दे और अंदर रुई भर दे। और पैकेट के ऊपर एक पे गाय के मांस और दूसरा पे सुअर के मांस लिख दसन, कौनो गलती ना होके के चाहिए, ठीक बा? ये काम में बड़ा खतरा बुझात बा। खतरा से खेले वाला ही तगड़ा होला। अरे, हम पति होके इतना प्यार ना बोली जितना तोनी के आदमी होके। बात पावर का होला, आदमी मोबाइल है चार्ज करला जहां जल्दी चार्ज हो। आवा, अब मांस का सारा आदमी काट कर फेंक दे। लोग मोटरसाइकिल छोड़ के जहाज के ऊपर पहुंच गए ले, अब तू अभीले साइकिल पे अटकल बड़ा। ई तोरा मोटरसाइकिलवा से ना, हाई साइकिलवा बढ़िया बा। एगो काम कर, तू एक बेच के साइकिल खरीद ले। औकात पे रखे बात कर, जबान से आदमी बड़का ना बनेला। अकड़ ढेर बा, आ तो बाजी लगा ला। जीत गए नहीं तो का देबे? ये मोटरसाइकिल तो और ये कबाड़ा लेके हम का करब? आ तो 2000 के बाजी। पक्का? पक्का। चल 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 बेटा, आ जा।
तेल खत्म बटे आ बतौले ना हवा बाजी लगा लेनी चल धक्का मार के चाचा, आराम से। ए बाबू, ए बाबू, औकात नहीं के तो गुल्लर ना ली लेके। आराम से। गांव में बैठ बैठ बड़ दंगा होके वाला बा। इस प्लान मन रखनी देवी के बा। तू अपन आदमी बाड़ा, यही से बताओ धनी बाबू। केहू से तू मत कहिया, हाँ, अछूप के रहिया, वरना कट जाइबा। चल बलराम। हाँ चल। हाँ चल। चल चल आराम से। हाँ? दंगा? नगमा चाची, ईद पट्टा। चाची कहे के कलस? हाँ हमर चाचा। दिमाग खराब बा का? ना, गांव के माहौल खराब बा। उमन रखनिया भी अनु गांव में दंगा कराओ की चाहती है। अपने के थोड़ा मदद चाहिए। कैसन मदद? अपना लोगन के हम समझावता नहीं, और अपना बिरादरी के आप समझाएं। हमरा के नेता बने के कौनो शौक नहीं के, हम ना करब मदद। अरे सुनी एक मिनट, ई अपने खातिर पकड़ी ना, कोनो जल्दीबाजी नहीं खे, एक खा के ठंडा दिमाग से सोचो, दुआ में याद रखिए। पागल। ए बुरखा वाले रुक। कबले बजबू टीका पाड़े से ये नु सोचा तारू आगल फेर लतखोर, सोचा कौनो फरक ना पड़ी। वैसे सलीमवा त गइल, एगो चुम्मा का मंगनी कह के तोड़वा देलू दहिना पैर। पुरवा ब्यार पर अभिले दर्द करेला, अब के बचाई टीका पाड़े से तोहरा के। ए तेरे तोहफा हविया पकड़। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, अच्छो ना दिखाना बंद कीजिए। एटिका भैया, एटिका भैया, एटिका भैया, अरे उठो। अगर मर जाई एकरा लाश पे चढ़ा दिया सा, और गलती से बच गई तो बता दिया सा, आज के बाद इनकर कबो रास्ता मत रोकी, ना तो अब की बार खाली टांग तोड़नी है, अगली बार फिर टांग ना तोड़ सीधा गर्दन तोड़ दे। चला भैया। अरे बाप रे बाप, लगता
भाई कौन है रे? निरहुआ भैया। और दीनानाथ शास्त्री के बेटा? बतावे के ना रहला है? बुरखा के चक्कर में दोनों टंगड़ी गई। एक बेर खाली बंटा चरौला रानी ऐसा जगह मरले रहे, दाढ़ी बढ़ा के आजली कुंवार बनी। आज तो दोनों टंगड़ी गई, ले चल के कौन आश्रम में जमा करा सन। खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक बात याद रखो, इंसान दवाओं से नहीं दुआओं से चलता है। हम और हमारा मजहब, इसके अलावा और कोई नहीं। उस खुदा ने सिर्फ और सिर्फ हमें बनाया है, इसके अलावा जो भी है सारे के सारे काफिर हैं। वो किसे कब क्या दे क्या पता। लो दे दिया। क्या है ये? सुअर का मटन। सुअर का मटन? लाहौल विला कुवत, आज एक भी काफिर जिंदा नहीं बचना चाहिए। चलो से जियो कि जिंदगी कहे कि जिंदगी कैसे जिए, क्योंकि इंसान को हर एक चीज परमात्मा देता है, उससे मांगो वो सब कुछ देता है, वो सब कुछ देता है। आधे मां, उससे मांगो वो सब कुछ देता है। दे दिया। कहा? गाय का मांस। हल्ला बोल, हर हर महादेव। नारे तंत्री। रुक कहेंगे ले लोग, आगे बढ़ा। पागल हो गई बड़ा, अपना लोग इनके कैसे काटी। अरे काट दे अग्नि के, यह सब मजार पे सूअर के मटन फेंकले रहे। मंदिर में गाय के मांस, गाय माई की क्रिया। आगे बढ़ा। हल्ला बोल। माजरा काबा, दरगाह में सूअर के मटन और मंदिर में गाय के मांस फेंक देने वालों का कहा बा? है दे। अरे अरे ये तो स्पॉन्ज बा, देखा। अरे ये तो नकली है, स्पंज है। अरे बतावा नकली में हाल है तो असली रहत तब का करता लोगन। बोला सुना, सबके बता दो। मैडम का कहना मी है कि अब ये गांव का बंटवारा हो जाएगा। कहे से कि रोज रोज लड़ाई झगड़ा से अच्छा बा कि बंटवारा हो जाए। हाय बंटवारा हो जाए ना, हो जाए, 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 ना हो बंटवारा। कहीं हो गेल तब तोहार थप्पड़ और हमार गाल, और कहीं ना भइल तब त तोर थप्पड़ और मैडम का गाल। शट अप, अब तो बंटवारा हो के रही। हाँ, अब हो ही बंटवारा। नियम कुर्सी पे बैठे वाला आदमी बनावेला, सड़क पर खड़ा होखे वाला ना। सड़क पे खड़ा आदमी के कंधा पे चढ़ के ही कुर्सी पे बैठे ला लोग, कहीं कंधा से झटक देलस तो नीचे आवे में टाइम ना लगी। नीचे ऊपर के खेल खेल के ही राजा बन के कुर्सी पे बैठल बनी। बंटवारा होई तो होई, ठीक बा, तब कर ला लोग खुशी से बंटवारा, लेकिन एक बात सोच के। दोनों बस्ती के बाजार हिंदू बस्ती में बा, और लैकन के स्कूल मुस्लिम मोहल्ला में। दिन भर में 5 बार झगड़ा तय बा, अब बतावा लो करबा लो बंटवारा। ना,
थप्पड़ अपने के मरनिया, खाली गाल इनकर इस्तेमाल के निया। एक बात याद रखे, निरहू नगमा के राज चली, हिंदू मुस्लिम साथ चली। पश्चिमी ओरिया उगले सूरज देवता, दावत के जगह पे अब तक खाई लोगवा नेवता। हा हा हा, पूरब छोड़ी के पश्चिमी ओरिया उगले सूरज देवता, दावत के जगह पे अब तक खाई लोगवा नेवता। लगता छपाई अब, लगता छपाई अब, खबर अखबार में दीवानी, दीवानी दीवानी भैली नगमा निरहुआ के प्यार में, 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 दीवानी भैली नगमा निरहुआ के प्यार में। जाति पाति के लात मार के भैले दोनों राजी, जाति पाति के लात मार के भैले दोनों राजी। मंत्र पढ़ी है पंडित जी की, कलमा पढ़ी है काजी, काजी मंत्र पढ़ी है पंडित जी की, कलमा पढ़ी है काजी। मजनू गिरी में बाबी गड़ा ले रिवाज हो, एक यंगाना में होई पूजा नमाज हो। गुरु कम रही है में रही है की घूंघट के यार में, दीवानी 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 भैली नगमा निरहुआ के प्यार में, दीवानी भैली नगमा निरहुआ के प्यार में। मजहब इश्क इबादत, जब रोग लागे दिल करे बगावत। बकरा ईद मनाई है मेहरी मर्द मनाई है फगुआ, बकरा ईद मनाई मेहरी मर्द मनाई फगुआ। बिना बारात के शादी होई माथा पीटी है अगुआ, बिन बारात के शादी होई माथा पीटी है अगुआ। सेनुर दाना होई की होई कबूल नामा, की मिली घोटाई है कैसे निरहू के मामा। लगता की करफू, लगता की करफू लगाई जवार में, दीवानी 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 भैली नगमा निरहुआ के प्यार में, दीवानी भैली नगमा निरहुआ के प्यार में। दीवानी भैली नगमा निरहुआ के प्यार में, एकदम सही। अगर मांग में तोहरा नाम के सिंदूर न रही तो पैर के चप्पल भी न बनाऊती, मांग में सजा के रख ले बानी। आधे मांग मैडम कमरिया दुखाता। आदमी हमार और नाच गा निरहुआ ला। जाए दी, माफ करती,
माफ कर दी, माफ कर दे तो दाढ़ी के रंग बदल जाए। खिचाव से रंगवा ली है मुल्ला जी। आवाज ना, वरना हम अपने के ऐसन रंगे कि खुद के चेहरा देख के डर जाए। निरहुआ हमरा खेल के खराब कर ले, तब फिर ओकर प्यार के कैसे मिले दे। ओकरे ले का करे पड़ी। पंडित जी जुमन मास्टरनी ओकर बेटा अरुणवा के बुलाओ। निरहुआ नगमा के प्यार के अर्थी उठावे में कम से कम ओके चार कंधा चाहिए। नगमा, फैसला की घड़ी आ गई बा। पूछी मत, फैसला करी। कुछ सवाल मन में अटका था, पूछ के अपन मन हल्का कर ली। चढ़ान पर चढ़ाई करे के समय साथ में वजन कम होके के चाहिए। घर परिवार रिश्ता नाता सब छोड़े के पड़ी। कबूल है। समाज से बगावत करके किल्लत के जिंदगी जिए के पड़ी। कबूल है। जिंदगी और मौत के बीच में मोहब्बत, जेकर कहानी स्याही से ना खून से लिखाई। ना हिंदू ना मुसलमान, मोहब्बत करे वाला सिर्फ और सिर्फ इंसान। एक बार फिर से कहता, कबूल है, कबूल है, कबूल है। प्रेम कहानी के लड़का लड़की लोग कहाँ बा? आ गई लोग। डिजाइनदार लैला मजनू। का बात बा? अब तक जोन भाईल नादान समझ के ए लोग के माफ कर दे। माफ कर दी तो जात बिरादर गांव समाज और सारा लोग तोहनी के हरकत से परेशान बा। बात के यहीं पर खत्म करी आप लोग प्लीज, वरना। वरना का? अगर समझ गई होबे तो ठीक बा, वरना समझा दे। मार दी गोली, लेकिन मरला के बाद भी जोड़ी ना टूटी। नगमा चलाएं लोग गोली, मार दे, लेकिन एक बात याद रखे, जन्म देवे वाला के तन पे अधिकार हो सकेला, मन पे ना। और मन अपन रंग बदल दे ले बा। अब एके ना हरा ना गेरुआ, सब कुछ सतरंगी लोग कता। एक मिनट रुक जाए रुवा लोग। पंडित जी राउर हाथ से आशीर्वाद बहुत अच्छा लगेला, रुवा के हाथे में बंदूक एकदम निक निक लागत। और जो मन मिया जब रुवा मजार पर फूल बेचे नी ना, बहुत बढ़िया लगे नी। आपका बुझता नहीं कहे बंदूक ले लेबानी तो आपका साई लगता नहीं। अरे ना है तोरा के बीच में बोले के कहला है। हमार जमीर जवन तोहनी के जमीर से कहीं ज्यादा अच्छा बा। ठीक बा पंडित जी, रउआ खातिर आपका बेटा और जुम्मन मिया, रउआ खातिर आपका बेटी आज से मर गई ले। आज से ही हमार बेटा पतो। और अगर अब केहू के ऐतराज भइल तो हम अपन वो रूप दिखाएं कि जमीर के साथ साथ जमीन भी थर रहा है। ना काकी, मारे दे गोली। हाँ, जब अपने लोग मारे के चाहता तो फिर जिए के का मतलब बा? ना बेटा ऐसे मत कहा, एक बारे माई कचरा थाम के दिखा, जीते जी बैकुंठ पाले। तू लोग के का लगत, तू लोग के पैदा न कर ले तक, तू लोग के जब भी देखी लत ऐसा लगे लगे तू लोग हमारे औलाद हो। Thank you.
पर ओ गाल पे ना, ई गाल पे लाकल बा। बदला पूरा तबे होई जब हमने के मुक्का उस जानकी के दिल पे लागी। कैसे? नारायण बाबू माता के भक्त हैं। वो भी इतना बड़का कि मुते भी जाला ना तो माता से आज्ञा लेके। हमरा भी कब्जियत के प्रॉब्लम बा, ओकर कोनो उपाय बताई। सुबह शाम मूत्र के सेवन करी, सब ठीक हो जाए। केकर? गौ माता के। अमृत होला अमृत। माता, बिना बदला के हमार ई दिल जल रहल बा। बिहान ठंडक मिली जब वो नारायण बाबू के बेटी के रिश्ता जानकी के बेटा अरुण से ना हो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। करण बाबू और देव बाबू ने खेलो कतलो। सेना के नौकरी का हालचाल तो जनते बने भाई साहब, छुट्टी ना मिलल। बाकी दिन ऐसा रखा ब्याह है का कि वो लोग ब्याह में शामिल हो सके। अब दिन तारीख तो पंडित जी के मर्जी से हुई ना, बाकी आधे माई के आदेश के बिना शादी के तारीख संभव नहीं खे। बस पंडित जी और आधे माँ नाराज ना होके। बेटा ना लायक निकलल बा, बाप ना। पांचवा महीना में निमन दिन बा। दिन तो ठीक बा, बाकी ब्याह हो या निकाह। मुंह बोला बेटा बहू के अपनैला से धर्म ना बदल जाला। भाई साहब, धर्म बदल जाई चली, बाकी बेटा पतोह के बदले के बारे में मत सोचो। इतना गर्व बा तो एक नियम हिंदू के करके दिखा दिस। भौजी का ले ली तब? तब आधा माई यही मंदिर में आत्मदाह कर ली। हाँ, वो मिट्टी के तेल से ना पेट्रोल छिड़क के। और ना दिखावली तो शादी कैंसिल। कहो नारायण बाबू। जौन पंच लोग के राय नदी के विपरीत दिशा में तैरे से खुद तो डूबबे करी, साथ में पूरे परिवार के भी डुबा देला। बदन में अपने के खून बा, पीतल भी परखी तो अपने के आशीर्वाद से सोना ही निकली। जब सबरे के मीठे बेर झूठे खाए भगवान, तब आदमी से छुआछूत काहे रखे इंसान। हवा न पूछे जात बिरादर, जात न पूछे पानी, प्रेम से बढ़ के कुछ ना जग में। कह गए पंडित ज्ञानी जिनके चरणिया में हो, जिनके चरणिया में, जिनके चरणिया में बसे चारों धाम है। अहिल्या के तरले उहे सिया जी के राम है, अहिल्या के तरले उहे सिया जी के राम है, अहिल्या के तरले उहे। करण बजने दो। प्रेम तायनंत सुख हा, प्रेम ही हा पूजा, इंसानियत से बढ़के कुछ
जिनके ही नाम आवासे, जिनके ही नाम आवासे, सबरे सब काम है, अहिल्या के तरले उहे, सिया जी के राम है, अहिल्या के तरले जवन सुख मिले ला माई बाबू के चरण में, जवन सुख मिले ला माई बाबू के चरण में, मिले नाही तीनों लोग चौदह हो भुवन में, मिले जी के राम है, अहिल्या के तरले उहे, सिया जी के राम है, अहिल्या के तरले उहे। का हो बुझाता, दाढ़ी और टीका एक हो जाए का? का बात करत आनी जनाब, दाढ़ी खुदा के नूर बा, तकाई टिकी तोहरा खेत के गुलारी के फूल बा। सॉरी रुकावट के लिए खेद बा। खच्चड़ कहीं के, चला छोड़ा, चला यहाँ से, चला चला। देवी जी, आप ये लोग इनके चक्कर में मत पड़ी, शादी तो अपने के यहाँ हुई। ए हटी हटी हटी, रास्ता खाली करी, हटी 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 हटी। आई माता जी आई। आधे माई पेट्रोल मंगाई या डीजल? भक्त, आधे माँ ने तुम्हें माफ किया। बच्चों, मेरा ध्यान का समय हो गया है, मुझे गुफा में ले चलो। सुख दुख में साथ है आई, आधे माई आधे माई, सुख दुख में साथ है आई, आधे माई आधे माई। भैया। हाँ भैया, प्रणाम। खुश रहा बाबू, का हाल बा? सब ठीक बा भैया? कुछ ठीक नहीं के, सब पता बा हमरा। और भाभी सब हमके बतावे ली, तू वो काम करा तो कुछ दिन खाते रहिए, चलिए वहाँ। जब माहौल सही हो जाए तो हमारा साथे चल चलिए। ठीक बा भैया। बेटा, भैया के फोन है। का कतरना? इनके और हमके अपना लगे बुलाओ था रहे। ठीक है तो कहत रहे हम, कुछ दिन खातिर बिटिया के लेके जा, गांव से दूर रह बना तो ये लोगन का अकल ठिकाने आ जाए। जा बेटा, जा लेके। भैया हमरे साथे चल चला हो, वहाँ एगो बड़ी दरगाह बा, सबके मन्नत पूरा होखेला, भौजी के एक बार दर्शन करा दा, दिल खुश हो जाए। प्रणाम भैया। खुश रहा जी या लोग। अरे बहुत तो चांद से भी सुंदर लीला। हाँ, लेकिन चांद पे जोन जात पात के दाग लगल बा, उ बाबूजी के रास ना आए। बैठ, बे मतलब के सोचेला। चला हम बानी ना बाबूजी के समझाई, आओ चलो चल आओ। मेरा भाई आने वाला था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। भाई तो मेरा भी आने वाला था, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। सर कोई आ रहा है। मेरा भाई होगा? नहीं, मेरा लगे 2000 की मंजूर है। खुश रह, घर में सब ठीक बानू? जी। आ अपना बियाह के दिन निकलवा लेला, संध्या खातिर लेकर देखला कि ना? हाँ भैया, हमार तो बियाह के दिन उतर गए,
बाकी संध्या कहतिया कि तोहरा पसंद के लड़का से ब्याह करी और भाभी कह लिया कि छुट्टी मिले तक घरवा चल जा, बाल बाल पाका था तोहार। और माई? माई कह लिया कि लड़का के गले लगा के ओकर पीठ थपथपा दिया। बस ठीक बा जी, जाके देव से मिल ले। फिकर मत कर दोस्त, एक दिन तेरा भी भाई आएगा। सर मेरा भाई कैसे आएगा, मैं तो माँ बाप के इकलौता हूँ। बस शर्त इसलिए हारता हूँ कि लगता है किसी अपने से मिल लिया। सर लीजिए। अरे नहीं यार, रख रख, रखो रखो रखो। सर का अपमान हो जाएगा सर, पैसा वापस सर जीत कर ही लूंगा। इला भाई आज भी ना बजल देव सिंह का गाना। या तो तू फरमाइश कर छोड़ दा, ना तो रेडियो फेंक दा। अरे तो कपार ना फोड़ दे देव सिंह। सॉरी सर, चुप रहा नहीं तो मेरा हल्ला हो जाए फौज में कि एक फौजी बागी हो गई। कूच देव। वैसे तू कौन गाना सुनने के चाहता रहा? बता दी। बताओ। रुका। अरे याद कर जहिया कुमार रहलू, पियावा से पहले हमार रहलू। अच्छा हुआ देव सिंह आपका गाना ये बजा नहीं, वरना लोग क्या कहते। अरे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का। अरे अरे भाई अरुण। भैया। और घर में सब ठीक बा? ठीक बा, लेकिन इतना जल्दी निपटारा काहे करा तेरा भैया? जल्दी में ना निपटाई तो का करी, बड़ बेटा भाऊजी का, छोट माई का, माचिल के पूछा था। ऐसे बात ना है भाई, माई तो सबसे ज्यादा सपना तोहरे देखे ले, और तो और ही देखा घी भेज ले भैया, भैया से छुपा के। सचो? हाँ हो। हाँ बधाई हो, 15 अगस्त के जौने फौजियन का सम्मान होता और मैं तोर नाम भी देने वालों, लेकिन हाँ सावधानी से संभल के रही, काहे के दुश्मन के हिटलिस्ट में बढ़ा, यूनिट में चर्चा भाई बात के, अपन ख्याल रखे। अरे भैया जेकर दू गो भाई एगो शेर दूसर का सवा शेर, ओकरा के हाथ लगाई हो। और अबे भैया नगमा भोजी भी आयल बा लोग। कब कहाँ बड़े लोग? विजय भैया लगवा। अब है ड्यूटी खत्म महिला के बाद सबसे पहले जाके मिला। गाड़ी बा, ड्राइवर बा, कहीं घूमे फिरे का मन करी तो घूम या फिर जा। बड़ी दरगाह ईजा से कितना दूर बा? बड़ी दरगाह बान बोल दे तनी हम ड्राइवर से ले जाके दर्शन करा दी। मैं एक काम करिए, फसल की नमाज के बाद आप मुझसे मुलाकात करिए, ठीक है? सॉरी माफ कीजिए। अरे कोई बात नहीं, इस शहर में आप लोग नए लगते हैं। हाँ हम लोग नए हैं। हाँ पर हमारे बड़े भैया यहाँ सेना में कैप्टन है। सेना में? क्या नाम होगा उनका? विजय शास्त्री। विजय शास्त्री, कैप्टन विजय शास्त्री? हाँ। आपके भाई है? जी। अरे वो हमारे करीबी दोस्तों में से हैं और वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे अच्छा? जनाब आइए कम से कम गले तो मिल लीजिए। अरे मियाँ जी मेहमान है हमारे, जाइए टोपी और गमछा लेकर आइए। जी जनाब। और बताइए उनके क्या हाल चाल है? बढ़िया। आपका परिचय? मैं बरकत अली खुदा का बंदा जनाब, खुदा के लिए काम करता हूँ। आप दरगाह में जाके अर्जी लगा दीजिए, खुदा आपकी मुराद पूरी करेगा। भाभी जान बहुत खूब कहा है किसी ने, यहाँ पर मांगी हुई मुरादें बहुत जल्दी पूरी होती हैं। दिल में जो हो मांग लीजिए। यूसुफ मियां ख्याल रखिएगा, मेहमान हैं हमारे, मैं अभी आता हूँ। धन्यवाद। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। हसन साहब और यादव साहब को लाइन पे लें, जो अखबार की कीमत बढ़ा देगी। हसन साहब मेरे साथ ही हैं। जी जनाब। यादव जी को भी लाइन पे ले रहा हूं। मरकत ने वक्त को अपने मुट्ठी में जकड़ लिया है, अब सिर्फ तारीखें लिखनी है। वक्त ने आहें भरी हैं।
जलते शोलों की लपटें ठंडे तालाबों के भीतर से निकलेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। प्रोग्राम भी है क्या? आप भी गाते हैं? हाँ थोड़ा बहुत। हेलो कैप्टन विजय शास्त्री। हाँ आप कौन? हम लोगों के नाम नहीं होते हैं। लेकिन खबर एकदम पुख्ता है। बड़ी दरगाह के पास आतंकी हमला होने वाला है। रोक सकते हो तो रोक लो। हेलो 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 पे तेरे सवाली जब सर झुका के आए दर पे तेरे सवाली भरते हो सबकी झोलियां जाए न कोई खाली भरते हो सबकी झोलियां जाए न कोई खाली जब सर झुका के आए दर पे तेरे सवाली भरते हो सबकी मर्ज की दवा है मौला तेरे शहर में हर मर्ज की दवा है मौला तेरे शहर बार लेके आरजू जो दर पे माथा टेके एक बार लेके आरजू जो दर पे माथा टेके करते हो पूरी ख्वाहिशें चाहत से ज्यादा देके एक बार लेके आरजू जो दर पे माथा टेके हर मर्ज की दवा है हर मर्ज की दवा है मौला तेरे शहर में हर मर्ज की दवा है मौला तेरे शहर बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे बिगड़ी बनाने वाले जग के बुले गुलिस्ता में तू गुल खिलाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे बिगड़ी बनाने वाले कटती है सारी मुश्किलें आती न कोई उलझन न कोई उलझन तू
हर मर्ज की दवा है मौला तेरे शहर बेटा। आज हो गई, अब बिहाने आई है। माटी पानी इला दी। बाय बाय। नंदिनी खुश रहा बिटिया, कैसे बाड़ू? ठीक बानी, आप कैसे बानी? ठीक बानी। अरे संध्या, 15 अगस्त के नाटक के रिहर्सल के का भेल? अरे समझ में ही नहीं आवत कि बॉर्डर कैसे बनाई। अरे जकर तीन तीन को भाई बॉर्डर पर, ओके पता नहीं कि बॉर्डर कैसे बनाला। अरे बकलोल, वीडियो कॉल कर भैया के, कर और भैया के बोल कि बॉर्डर दिखा दे। अतनी इहो लगन भैया से बात के लिए। ठीक बा भाई, ठीक बा। अरे रेडियो महाराज, एक बेर हमरे फरमाइश के गाना बजा देता हो। पर देव सर, आपकी पसंद का गाना है कौन सा? जिस दिन बजेगा ना फौजी देव सिंह की पसंद का गाना, पूरा देश सुनेगा। अरे घर से वीडियो कॉल। भैया प्रणाम। खुश रहा। और संध्या, माई कैसन बाड़ी? ठीक बाड़ी। हाई ले माई से बतियावा। अरे माई गोल लगता नहीं, सब ठीक बाना? खुश रहा बच्चों। करण से बात करा। बड़का भैया से बात करबू? हाँ तू तो बड़का भैया से बात करबू। हे भैया, माई का फोन है, वीडियो कॉल है। अच्छा। अरे कबो हम आऊँ से बात कर लाल करा, हम आऊँ तो बेटा बानी। जब मारे बने। ला बात कर ला, माई ये वीडियो कॉल। माई गोड़ लगा था नहीं। खुश रहा बच्चवा। काल चल। एकदम ठीक बनी जा। अरे बच्चवा। कहा बताई रे, बड़ा दिन बाद देखी लता, बोलिए ना निकले ले। हाय देख। भैया यहाँ सब मजे में है। अरे सुन बेटा, ए संध्यावा के स्कूलवा में ना 15 अगस्त के कोनो प्रोग्राम है और मैं बॉर्डर बनावे के है के। एक के पता नहीं है कि बॉर्डर कैसन होला, तनी दिखा देना बेटा कि बॉर्डर कैसन होला। हम अनियो को तनी देख लेवल जाई। छप्पोस देखे के चाहता लोग। दे माई, हम टीवी से कनेक्ट कर देता नहीं तो बड़ा लोग। ले ले ले। भैया प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। पूछ देखे के बा। हाँ भैया। रुको एक मिनट। आजा। अब देख, दिखाओ तनी। ए ले हाई देख, देख लगता। मोरी मैया हो मैया। देख हमने के झंडा, देख 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 देख। हाँ ये जा रहा है नहीं हमने के। हमने के देश का। देख ले ली। हाँ अब देख भीतर जाता नहीं। देव भैया क्या करता रे? अरे पता नहीं, रेडियो में दिन भर लगल रहेला, पता नहीं कौन गाना खोजत रहेला। आतंकी हमला हो गया सर, जवान कम है सर। हेलो हेलो, विजय शास्त्री ने बड़ी दरगाह पर सारी फोर्स भेज दी है सर।
एक शर्त लगाए सर। शर्त? किस बात की? गोली मुझे लगी है दुश्मनों को। 10,000 की लगा ले, मेरा एक जितेंद्र सिंह 1,000 पे भारी है। गोली दुश्मन को लगी है। आप शर्त हार गए सर। सर मेरा भाई कैसे आएगा? मैं तो माँ बाप के इकलौता हूँ। पर अफसोस इस बात का है कि इस देश को देने के लिए हमारे पास एक ही जीवन है। पर खुशी इस बात का है कि सर जीत के जा रहा हूँ सर। जय हिंद। जितेंद्र, ये जितेंद्र। सब ठीक, सब ठीक। माइक सब ठीक है। माइक सब ठीक है। Thank you.
छोड़ने की वजह, मैं पूछता हूं पोस्ट छोड़ने की वजह। आतंकी हमले की सूचना सर, या अपने अहदे का गलत इस्तेमाल। तथाकथित आपको गद्दार साबित करते हैं, इसलिए विजय शास्त्री, अमित सिंह, आदित्य सिंह, राजेश यादव, विनोद पांडे, हामिद अंसारी और बलजीत सिंह का कोर्ट मार्शल किया जाता है, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर परिवार नहीं हो सकता। बड़ी दरगाह एजा से कितना दूर बा? बड़ी दरगाह के पास आतंकी हमला होने वाला है। जी सर, अभी भेजता हूं सर। राष्ट्र से बढ़कर परिवार नहीं हो सकता। हाँ भैया, अब है।
बबली से कह दिया तोर बाप देशद्रोही ना हुए। हाँ भैया तू चिंता मत करा, हमनी के भरोसा बा, हमार भैया देशद्रोही होइए ना सकेले, पता बा। अपन ध्यान रखिए। अरे मार बेटवा, अब हम क्या करें? अरे मार बेटवा, अरे मार बेटवा, अरे मार बेटवा, अब हम क्या करें? अरे मार बेटवा। बेटा के तिरंगा तक नसीब में ना भई। गद्दारी का दाग पूरे परिवार पर 7 पुस्तक लाग गई। पिछला जन्म के पाप या फिर पापी आत्मा का श्राप आज घर के धरोहरी हमरा के हमरा नजर में गिरा देलस। एमे मरल आदमी के कोनो दोष नहीं के, जिंदा आदमी के अपशगुन है अपशगुन। जे जानकी काकी के बेवा और अपने के गद्दार के पिता बनौले बाड़े। जबान संभाल के बात कर। हमार भैया गद्दार ना रहले। अगर ये गद्दार ना रही तो आज तिरंगा में लिपट गायल रही कपन में ना, ना। भाऊजी, अपने के अपने बेटा के वफादारी के ना पहचान पैनी, लेकिन एगो छोट बच्ची अपने पिता के पहचान गई। शायद अपने के कहल बात के वजह से कि ईमानदार आदमी के चेहरा के तेवर बतावेला क्यों ईमानदार है, वरना गद्दार के चेहरा चोर जैसन होना। दुनिया हमरे भैया के सम्मान देवे या ना देवे, लेकिन एगो बेटी अपने बाप के तिरंगा देके सम्मान दे दे। अब कैसा हालत बा सर? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, दिमाग में सदमा कुछ ज्यादा ही गहरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन से जान बच भी सकती है और जान जा भी सकती है। मरे की बात मत करी डॉक्टर साहब। एक बात हो सकती, अगर इनका छोटा बेटा आ जाए तो दो बेटों की मौत का सदमा छोटे बेटे को जिंदा देखकर कुछ कम हो सकती है। भैया बढ़िया बा। बस एक बात, सरकार का आदेश मिल जाए। हाफिज खान के तो हम खुदा हाफिज कर दे। उ कैसे? ई बाव कर जन्म कुंडली।
के पैदा न कर ले तका तू लोग के जब भी देखी ना तो ऐसा लगा लगे तू लोग हमारे औलाद हो। एमे मरल आदमी के कोनो दोष नहीं के जिंदा आदमी के अपशगुन हा अपशगुन जे जानकी काकी के बेवा और अपने के गद्दार के पिता बनौले बाड़े। एक बात हो सकती है, अगर इनका छोटा बेटा आ जाए तो दो बेटों की मौत का सदमा छोटे बेटे को जिंदा देखकर कुछ कम हो सकती है। एहिजा का करता नहीं? फाइल कैसन है? एनसीसी के सर्टिफिकेट है और ये भैया के बनावल में। का हुई? नगमा, हम आर्मी ज्वाइन करब। या खुदा, इनकर मदद करी हा। घर पर सब केहू ठीक बा। अभय बबू आ गेले। और बेटवा कैसन बाड़ा? बढ़िया माई। बाऊजी ठीक बाने? ठीक बानी। बेटा नगमा माई बने वाली है। माई एक दिन की छुट्टी मिलल बा, कल हमके जाए के बाद ड्यूटी पे। कौनो बात ना बेटा, एक दिन ही सही, बहू के ध्यान रखी। हा हाँ बबुआ, एक के दिन खाते पर बहू के ध्यान रखी है। ठीक बा मैं। हमार बेटवा बाबूजी के ध्यान रखे रखब। ठीक बा। चला तानी। संध्या। हाँ भैया। भाभी से बोल दा सुबह 9 बजे जाएगी बाम के। भाभी जाए दी है तब न जाइबा। कहे हमरा का मालूम, जाके खुद ही पूछ लो। पत्ती पोता बाहर
कहे बेटा बपवे पे परेला, सब लोग कहे बेटा बपवे पे परेला, हम बनी सावर मन यही से तो डरेला। जवन होखे हमसे बाड़ा बेटा, चाही ऐसन जवन होखे हमसे बाड़ा, कह तो ले आदि काल है किसमिस छुहाड़ा। सब कर ध्यान रखिया। भैया भैया, भैया चुचुड़ी एगो लड़की और औरत के सुहाग की सुंदरता एकरा के संभाल के रखिया, कहे के टूटला के बाद बहुत दर्द होला, लेकिन एगो सैनिक के फोटो पर माला चढ़ल देख बहुत दुख होला। भैया टूटे न दिया, हम अरुण के इंतजार एक जन्म ना हर जन्म करब, लाल छोड़ा लाल चूड़ी पहन के बस सफेद न पहन, भैया सफेद न पहन, सफेद न पहन भैया। भरोसा रखा, माई बस जान पकड़ के रखिया, वादा करता नहीं तोरा से, या तो अरुण के लेके आई या तो हम तिरंगा में लिपट के आई। तो ऑपरेशन पहले करूं या इनके बेटे की वापसी के बाद? बेटे के आने के बाद। इसे आपका घमंड समझूं या आत्मविश्वास? आने के बाद ही फैसला कीजिएगा कि ये मेरा घमंड है या मेरा आत्मविश्वास। पति की मौत
आंख से देख ले बानी। गर्व तो बहुत बा, बाकी दुख ए बात के बा कि मारे वाला अभी ले जिंदा बा। ऊ लोगन के ऐसन मरब कि ठीक हमनी के कान तक सुनाई देबे। माई के ध्यान रखिया लोग। इस हमले के पीछे किसका हाथ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाफिज हमारे मुल्क के एक महान क्रांतिकारी हैं, जिन्हें हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये उनके बयान है जो पाकिस्तान के सत्ता के ऊपर काबिज है। अब हम आपको उनका बयान दिखाते हैं जो कि आतंकवादी तो है पर सरकार उन्हें क्रांतिकारी कहती है। अस्सलाम वालेकुम। तुम एक मारोगे, हम 10 मारेंगे और मारते रहेंगे। हमारे भाई तुम लोगों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं। एक दिन ऊपर से हम तुम सब लोगों को हमारे मुट्ठी में करेंगे। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल लग रहा है। इधर मेरा फोन नहीं लग रहा यार। फोन तो अब तब लगेगा जब हम चाहेंगे। ओह, तब नेटवर्क वॉचमैन लोग संभालते हैं क्या? तो तुम मुझको पहचानते नहीं क्या? पहचानते हैं। अरे मायू, ये तो फौजी का थप्पड़ है। आप आर्मी में हो क्या? यस, आर्मी। पुलिस और आर्मी में क्या अंतर है जानते हैं आप? जनाब, आपसे बेहतर कौन समझा सकता है, बता दीजिए आप। दुश्मन को मारने के लिए पुलिस को जवाब देना होता है, लेकिन आर्मी को नहीं। ओके। दुश्मन को मारना ही आर्मी का सबसे बड़ा जवाब होता है। सर अभी देखिए क्या है कि इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये बताइए मुझे करना क्या है। चलते हैं या अपना परिचय देते हुए ले चले? ओके, चलना है, चलिए। कहाँ चलना है? चलो चलिए, चलिए फटाफट, चलिए फटाफट। ओके सर। जनाब, कहे तो इस काफिर को जहन्नुम पहुंचा दूं? नहीं, अभी नहीं। मेरे बरकत को वापस लेके आते ही उसके बाद इसे हम जहन्नुम पहुंचा देंगे। हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं। बोलिए। दुनिया के नक्शे में एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम सुनते ही दूसरे मुल्क वालों को पसीना आ जाए। शायद उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। जी हाँ, सही कहा आपने। लेकिन जनाब, मुल्क आपका हो चाहे फिर हमारा हो, बेटे के नाम के पहले हमेशा बाप का ही नाम आता है। शायद दुनिया के नक्शे में उसी मुल्क को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त या फिर आप जिस नाम से भी चाहें पुकार सकते हैं। तो ठीक है, आपके बेटे की तरफ से अपने कमजोर हड्डियों और झूलते हुए मांस के लोथड़े को एक फरमान है कि बरकत को बाइज्जत रिहा कर दीजिए, वरना हम आपके जवानों को इज्जत के साथ जहन्नम पहुंचा देंगे। हम सर, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। पत्थर से खौफ कीमती मकानों को होता है, सड़े गले
झोपड़ियों को नहीं। एक बस एक आदेश और कचरा साफ। इस स्वच्छता अभियान को तो दुनिया भी मानेगी सर। सर अगर मान गया तो माफ, नहीं तो पूरा पाकिस्तान साफ। मिशन बॉर्डर स्टार्ट। सर मजबूरी जिहाद की हो या परिवार की, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा बैंक बैलेंस, सब कुछ भारत सरकार के नाम किया जा चुका है और यह उनके परिवार वालों को दिया जाएगा जो तुम्हारी गद्दारी की वजह से शहीद हो गए। गद्दारी या जिहाद से स्वर्ग या जन्नत नसीब होती तो दोजख या नर्क की बदबू तुम्हारे चेहरे से नहीं आ रही होती। घबराओ मत, टॉर्चर नहीं किया जाएगा तुम्हें। सरकार के नए नियम के अनुसार तुम्हारी गद्दारी की सजा 865 रुपए तय की गई है और वो भी तुम्हें नहीं देना होगा। जो गोली तुम्हें मारेंगे उस गोली का पैसा भी तुम्हारे परिवार वाले भरेंगे। खत्म कर दो इनको। अभय, तुम्हारी वीरता और दिलेरी के लिए आज मैं तुम्हें प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ। यह पत्र सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि तुम्हारी वीरता की दास्तान। जिंदगी भर तुम्हें सम्मान दिलाता रहेगा और दुश्मनों को उनकी पराजय का एहसास। सर बरकत अली की जगह पाकिस्तान होता तो 3 तिरंगा और बढ़ाना पड़ता सर। क्या? काबुल, ढाका और इस्लामाबाद, बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक। किसान का बेटा हूँ सर। अगर दुश्मन हमारी जमीन की तरफ आंख उठा के देखता है तो जमीन के साथ उसका जिगर भी जोत देते हैं। प्लान है या बनाओगे? हम तो कब से बैठे हैं ताक में। अगर आदेश मिले तो अब की दीपावली दशहरा पाक में। और कितने लोग चाहिए? वही लोग जो कैप्टन शास्त्री के साथ में थे। डन। ब्रेकिंग न्यूज, उस आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड बरकत अली और सत्ता के लोभी मिथाईलाल यादव की मिली भगत का नतीजा, जिसका खुलासा अब हो चुका है। विजय शास्त्री और उनके सहयोगियों का कोर्ट मार्शल हुआ था। उन्हें रीज्वाइनिंग से सरकार सम्मानित करते हुए शहीद विजय शास्त्री को वीरता पुरस्कार देती है, जिसका सारा श्रेय कैप्टन अभय शास्त्री को जाता है। वाहेगुरु जी अतरा। नगमा खुश रहा बेटी, खुश रहा। हे बेटी चला घरे चला, हम तोहरा के ले चले लायल बानी। बेटी पता ना कैसे अपना बेटा के पहचाने में हमसे भूल हो गई बेटी। अब हमारा खुल गई वो बेटी। हे बेटी चला चला घरे चला, तोहरे बगैर हमार घर आंगन सब सोना वा बेटी। आंगन के बंधन में ही तो बंधल बानी बाऊजी, जानकी माई के आंगन की शोभा, अरुण बाबू बस एक बेर उलौट के आ जाइए तो हमरो यकीन हो जाए। जेकर हाथ हम पकड़ ले बानी ओकरा के ई दुनिया का नाम देता, घरे तो हम तब भी चलब। जब अरुण बाबू घरे आ जाइए हेलो। हाँ बेटा हम तुहार बाबूजी बोलत आनी। बाबूजी प्रणाम। हाँ खुश रह बेटा, खुश रह। बस बेटा जानकी के बेटा लोगन के बलिदान, परिवार के सुख शांति के आधार वो अरुण बाड़े। बस उनका के उनकरा माई से मिला दे बेटा। इदेश के साथे साथे एगो बिबस बाप भी आभारी रही बेटा, जौन
लायक के नालायक समझत रहल। अपने के विश्वास बेटा के जीत और देश के शान बनी भाऊजी। आशीर्वाद उधार रहल बेटा, जीत के बाद तोरा सौभाग्य के सलाम करब। और अगर पिता के कोनो ऋण बेटा पे बा, हम ऋण से तोहरा के मुक्त कर दे बेटा। हेलो हेलो, ए के बोला था? अरे हम बोला था नी माई बोला था नी माई। अरे तो सूत गनी तक खिया गेल का बेटा? खिया ना छुआ गेल। काहे से कि छोट जात और बड़ जात में फर्क होला, बुझले? चल निकल। अबे क्या कर रहे हो? अरे उसका हाथ चल जाएगा। अबे यहाँ पे गर्म पानी कौन रखा बे? मुझे क्या पता? नहीं पता। यस, जिसने किया उसने पा लिया। अच्छा तो तुम्हारा कर्तव्य था, फिर तो ठीक है। जब ये आपस में ही एक नहीं है तो ये दुश्मन से क्या लड़ेंगे?
सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर सर अनुशासन और अनुशासन प्रियता ही हमें औरों से बेहतर बनाती है। यस सर, लेकिन कभी कभी हालात इंसान से ऐसा काम करवा देता है जो करना नहीं चाहता सर। बदतमीजी? नो सर। सर कोर्ट मार्शल के बाद जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि दुश्मन को छोड़ के आपस में लड़ने लगे? नो सर। सर अमित जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी कहीं और हो गई। आदित्य की पत्नी ने उससे अपने प्रेमी से मिलने की गुजारिश कर दी सर, और विनोद तो बेचारा अपनी मां और पत्नी के झगड़े से ही परेशान रहता है। और राजेश की शादी तो हुई सर, लेकिन लोगों ने लड़की बदल दी। वो बेचारा अपनी अपाहिज पत्नी के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता है। बलजीत की शादी टूट गई सर, लेकिन प्यार आज भी उतना ही करता है लड़की के फोटो से। और तुम? जले हुए घर की राख पर अपनी बूढ़ी मां के साथ खड़ा एक बेबस जवान सर। मजहब की वजह से लोग गद्दारी पहले देखते हैं सर, वफादारी बाद में। शायद मुझे हमीद होने की सजा मिली है सर। कैप्टन अभय शास्त्री बोल रहा हूं। अमित, ये आपके परिवार वालों की तरफ से आपके लिए था, और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आप सब के लिए कुछ है। आदित्य, टीवी ऑन करो। जी सर। ए बेटा, घर अकेले बानी, लेकिन इस सोच के दिल खुश हो जाला कि हमार बेटा देश के रक्षा करे गइल बा। अब की अइबा ना तेगो लड़की देख के रख ले बानी, तहार ब्याह करा दे। लेकिन बेटा एगो बात के ख्याल रखी हो, हमरा से बढ़ के देश बा। पांडे जी प्रणाम। अरे पांडे जी, आप भी कमाल करते हैं, बाहर रह के घर की चिंता ना खिल जाला। और नोक झोंक में तो अम्मा जी और हमार समय निकलेला, और दुश्मन ला तो हमार पांडे जी अकेले ही काफी बानी। जय हिंद पांडे जी। हमीद बेटा, मन में नफरत मत रखिहा, जे गद्दार समझ के हमनी के घर जलौलस उहे लोग घर बनवा देहलस। मौका मिले तो कुछ ऐसन कर दीहा कि केहू के हिम्मत ना पड़े हमनी और हमनी के मजहब के बारे में बोले के, काहे के तोहरा नाम में एगो क्रांति जुड़ल बा। अल्लाह हाफिज। ए जी, कबो कबो अच्छा लागे नी, कबो कबो बिल्कुल ना, बस बुझाता आगे कुछ अच्छा हुई। और एक बात हमेशा याद रखी, परिवार से बड़ा देश होला। ए जी, हम दीदी के इतना सुंदर नहीं थी, लेकिन रउआ से हम बहुत प्यार करेनी। हमके यकीन बा अपने के ऊपर प्यार के ऐसा रंग चढ़ाई कि दुल्हन के बदलाव के रंग बदल जाई। हमके गर्व बा कि हम जवान के पत्नी बानी, अपने के देश संभाले, हम पूरा परिवार संभाल ले। भारत माता की जय। ओए बलजीते, प्यार तो मैं तुझसे ही करती हूँ, कुछ अच्छा कर, नहीं तो किसी और देनाल चल दूंगी। पागल हो जाएगा, फक्र है तू जवान है, देश की शान है यारा। जय हिंद। ये कहां गया? अमित चला गया। रक चकटक दुम चपच पचक दुम, रक चकटक दुम चपच पचक दुम, रक चपच दुम चपच दुम चपच दुम चपच दुम चपच दुम।
बोल यरवा यरवा बोल यरवा बोल यरवा बोल बोल रे बोल यरवा बोल बोल यरवा बोल बोल रे बोल यरवा बोल सोचत का बाड़ है दिल के खोल देना बोल कावत हुई है चोरा पछोरत हुई है कमर लंच का के रानी अंगना बहोरत हुई है चूड़ी खन कावत हुई है चोरा पछोरत हुई है कमर लंच का के रानी अंगना बहोरत हुई है आसमान का रे आय हाय आसमान का रे अब चल जाए घरे मिले के सजनिया से मन बड़ा करे मिले के सजनिया से मन बड़ा करे थमावत रहली फूल हो किस करे गई तयाक गई फूल हो काल्हू साझे घरवा से फोन रहे आइल हमरो बिया हवा के दिन बाधर आइल शादी के कार्ड आय हाय शादी के कार्ड अब बताई घर घर मिले के सजनिया से मन बड़ा करे कुड़िया के फोन रहनी कैले काट दोहनी दादा ओकर भैया जब उठैले हम त 9 महीना पहले मार देहनी मोहर कुछ दिन में घरवा गवाए लागी सोहर खुशी से मनावा में खूब मोती झरे मिले के सजनिया से मन बड़ा करे जय जय भारत माता जय जय भारत माता जय जय
खुश रहा। अपने समस्त देशवासियों से यह कहना चाहते हैं कि हम दुश्मन के द्वारा किए गए उस हमले को नहीं भूले हैं और ना ही अपने उन जवानों की शहादत को भूले हैं, लेकिन हम छुपकर नहीं कहकर वार करेंगे ताकि दुश्मन को हमारी दुश्मनी ताउम्र याद रहे और हमारी तरफ देखने के पहले उनकी जुबान से वंदे मातरम और जय हिंद कर नारा गूंजना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं जनाब, ये अपने मुल्क के लोगों को बना रहा है। क्या बेवकूफ। नहीं, हमारे ख्याल से कुछ और ही प्लान है। हेलो जनाब, हमें आपसे मिलना है। मिलने के लिए तो हसन कमाल साहब ही दिन मुकर्रर करेंगे। जनाब, अब तो मुलाकात उसी वक्त होगी जब हम चाहेंगे। कुर्सी पे होंगे हम और आप जमीन के नीचे बिलाल खान। सिर्फ 29 मिनट और मिशन कंप्लीट। अमोटाबाद छावनी पर फायरिंग करके गोरी पोस्ट पर अटैक। सर, जब तक वो अमोटाबाद संभालेंगे गोरी पोस्ट पर अटैक करना आसान हो जाएगा। सर, अगर पकड़े गए तो साइनाइड खाकर खुद को खत्म कर लेंगे। लौटने का रास्ता? सर, भूरी और रावल कोट। सर, मिशन हेड अनिल यदुवंशी, राजेश पांडे अमोटाबाद भूरी। यस सर। प्रदीप जोशी रावल कोट। सर, टारगेट कोधान या खारुंग घाटी में है। 11 आतंकवादी पोस्ट हैं, उनको खत्म करते हुए जवानों को वापस लेके आएंगे। सर, सर आप सब कुछ लाइव देख सकेंगे, हर डिवाइस वार रूम से कनेक्ट है। सर, अगर फिर भी जरूरत पड़े तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, तैयारी इतनी तगड़ी है कि कब क्या कैसे दुश्मन सोचते ही रह जाएंगे। माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देशवा के करनवा अपने बहनी हो बिरनवा देदा। माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देशवा के करनवा अपने बहनी हो बिरनवा देदा। माई हो ललनवा देदा। चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला।
गोरी घर के माई प्यार से दुलारे सिमवा पे धरती मैया मुके पुकारे दूधवा के कर जा बेटा हमरे चुकई जा जाए लाल जंग जीत के अपने खूनवा के बाबू अपने खूनवा के बाबू खूनवा में तू फनवा दे दा सजनी हो सजनवा दे दा जिंदगी के खजनवा दे दा देसवा के करनवा अपने माई हो मर के भी अमर हो जाला कफन तिरंग से ऊंचा होना वतन के दर्जा हर वर्दी पर बाटे देसवा के कर्जा चुकावे खातिर हो कर्जा चुकावे खातिर सगरो सुख चयनवा दे दा माई हो माई हो ललनवा दे दा बाबू हो सुगनवा दे दा देसवा के करनवा अपने बहनी हो बिरनवा दे दा माई हो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है ये पहचानते आप लोग इसे एक मां का खोया हुआ बेटा एक बहन का भाई एक विधवा का पति एक बेटी का बाप और कर्ज चुकाने का मौका हमें मिला है लेकिन निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लीजिए आप मारेंगे या मर मिटेंगे सर अगर पकड़े गए तो साइनाइड की गोली होगी हमारे पास एक एक जवान 10 के बराबर होगा सर रिश्ते नाते मां बाप देश है सर और जीवन देश से बड़ा नहीं है सर 29 मिनट होंगे आपके पास खुदा हमारे दुश्मनों को माफ करे सर क्योंकि हम तो करेंगे नहीं शाबाश बलजीत हमारा जीना हमारा संयोग है सर हमारा प्यार हमारा पसंद पर हमारा मारना हमारा व्यवसाय है सर तो फिर 29 मिनट एक दिन और पूरा जीवन देश की आन बान और शान के लिए तिरंगा के नाम
हेलो, भूरी चेक पोस्ट पे इंडियन आर्मी ने हमला कर दिया है, हमारे सारे जवान मारे जा चुके हैं। व्हाट? हेलो हेलो जनाब, भूरी पोस्ट पे हमला हुआ है। क्या कह रहे हो? हमारे सारे जवान मारे गए। तुम कंट्रोल रूम पहुंचो जल्दी। ओके। अमित आदित्य कुलावला चौकी, बलजीत हमीद खरूम, विनोद राजेश बदीन, मेरा टारगेट अमोटा। टारगेट जहां भी हो उसे लेकर ही आना है। यस सर। ये फुटेज हाफिज और हसन को भेज दीजिए सलीम साहब। जी जनाब। अफजल। जी जनाब। प्लीज कंट्रोल द सिचुएशन। ओके। खौफ खत्म, नाम खत्म। शाहनवाज। जी जनाब। इसी वक्त बॉर्डर को लॉक करें। यह हिंदुस्तानी किसी भी कीमत पर हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए, क्योंकि हार हम जानते नहीं और जीत के बगैर दुनिया पहचानती नहीं। हमें इस सिचुएशन के एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। क्विक। जनाब। मेहमान अंदर आ चुके हैं, मेहमान नवाजी की तैयारी कीजिए। जी जनाब। जनाब, शायद आपको याद नहीं होगा कि एटम बम हमारे पास भी है। उसे चलाने के लिए तुम्हारे बाप को भेज दिया गया है। इस बार की लड़ाई पाकिस्तान का दुनिया के मानचित्र से विदाई। सारी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाए। यस सर। तू तो लड़ाई की बात छोड़, बस पाकिस्तान में कब्र की खुदाई शुरू कर दे तू, क्योंकि कुछ फैसले रोकने या बदलने के लिए नहीं होते हैं। सर हम पोजीशन ले चुके हैं, ओवर। हमीद बलजीत कहां पहुंचे? खरूम के जंगलों में है सर, ओवर। ऑर्डर सर। सही सलामत वापस लौट के आई, वरना राउर माई और भारत माई से हमारी दुश्मनी कब खत्म ना हुई। एगो बात बतावा, माई का वादा बड़ा होला या फिर मेहरारू का? माई के। फिर तो तुहार सुहाग के हाथ लगावे से पहले भगवान के एक बो माई के आशीर्वाद से लड़ी की पड़ी। हमार बेटा जरूर आई, ये गो माई
और भारत माई के वादा बा। पांडे, सर, पांडे तुम ठीक हो? जिंदा हूं सर। दुश्मनों को मौत के घाट उतारे बगैर ऐसे कैसे मर सकता है विनोद पांडे? मिशन कंप्लीट हुए बगैर मरना नहीं। ओवर एंड आउट। वीर फंस गए यार, अब नहीं बचेंगे भाई। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा नू में शेर बनावा, सवा लख नाल एक लड़ावा, ताही मैं गुरु गोविंद सिंह कहलावा। अमित, अमित, ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। क्या हुआ? ये मेरी बीवी है। समझदार मौत के सीने में खड़े होके भी जीत का जश्न अजीब होता है। मेहमान नवाजी के लिए हमने बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है ताकि हमारी खौफ तुम्हारे जनाजे में भी देखी जाए। और ये आवाज
पूरे हिंदुस्तान में सुनाई जाए। हथियारों के जंग हिंदुस्तानी हूं, हाथ ही काफी हैं। भरोसे से जंग नहीं जीती जा सकती हामिद भाई। चाहो तो तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। अरे जमीनें भले ही अलग हों पर हमारा मजहब तो एक ही है। मजहब माँ से बड़ा नहीं होता मियां, और मेरी माँ ने मुझे हमेशा वतन परस्ती सिखाई है। गोली चीर कर बदन के पार निकल जाएगी, लेकिन जबान से चीख की बजाय सिर्फ भारत माता की जय ही निकलेगा। तब तो तुझे आराम की मौत देना मतलब अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी है। तो फिर देख लेते हैं, वतन परस्त पाकिस्तान की मिट्टी में ज्यादा पैदा होते हैं या हिंदुस्तान की। शेरा! Yeah!
जाए तो बॉर्ड छोड़ के फर्क खत्म हो जाए। अरे वही फर्क के तह खत्म करता नहीं। अरे जब ऊपर वाला हमनी के खून में कोनो फर्क ना कहिला तो हम इंसान हो के का करीब। यार ब्राह्मण कुल में पैदा होके भी मूर्ख रह गई नहीं। ये क्या हो गया मेरे? मौका मिले तो कुछ ऐसन काम कर दिया कि केहू के हिम्मत ना हो हमनी के मजहब और हमनी पर उंगली उठाए के। फिर से पैदा होऊंगा उसी माँ के घर में, इसी धरती माँ की आन बान शान के लिए फिर से मर जाऊंगा। एक बार नहीं पाजी, हजार बार। ऐसा ना बोल भी। बस एक कसक रह गई यार, अम्मी को हज करा दियो। हाँ, जरूर बीरे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। खारूम पोस्ट खत्म, पर हम एक कमांडो मारने में कामयाब हुए हैं जनाब। कोई भी हिंदुस्तानी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए।
मेरा खेल खत्म दोस्त। आखिर मैंने काजल से वादा जो किया था कि उसे उसके प्यार से जरूर मिलाऊंगा। अभी से ये मिशन तुम्हारा। प्रिय अमित, उम्मीद नहीं थी कि आपसे कभी मुलाकात होगी, लेकिन आपसे मिलकर जीवन धन्य हो गया और यकीन हो गया कि आप मेरे पति के साथ हैं तो मेरा सुहाग हमेशा सलामत रहेगा। आदित्य पीछे देख। आगे मत बढ़ना आदित्य, वरना यह मिशन अधूरा रह जाएगा। मेरी जिंदगी का हर काम अधूरा रहा है यार, ये पूरा कर लेने दे। मिशन कंप्लीट करके तू घर पहुंचना, मेरी जिंदगी का हर मकसद पूरा हो जाएगा। भारत माता की जय। मैं अकेला हूं, निहत्था हूं, फिर भी तुम मेरे पास आने से डर रहे हो। जो डर है ना, यही है इंडियन आर्मी। ये मुझे जिंदा चाहिए, दिखाते हैं पाकिस्तानी भाई क्या है। जाओ मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये वादा है मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। जनाब, कुलाल चौकी भी खत्म, लेकिन हमें एक और कमांडो को मारने में कामयाब रहे जनाब। प्रिय अमित, उम्मीद नहीं थी कि आपसे कभी मुलाकात होगी, लेकिन आपसे मिलकर जीवन धन्य हो गया और यकीन हो गया कि आप मेरे पति के साथ हैं तो मेरा सुहाग हमेशा सलामत रहेगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। मरने के बाद तुझे जन्नत नसीब होगी पता नहीं, लेकिन जहन्नुम में तुझे आज मैं पहुंचाऊंगा। सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं सर, 20 सेकंड। ओके। जनाब, अमोटाबाद से हसन हाफिज को उठा लिया गया है। आ,
बॉर्डर लॉक है, सारे जवान तैनात हैं, किसी भी कीमत पर काफिरों को भागने नहीं देंगे। जनाब, हसन कमाल और हाफिज खान दोनों बंधे हुए हैं और वो लोग इधर ही आ रहे हैं, क्या करें? वो और करीब आ रहे हैं जनाब, क्या करें जनाब? अब तो मुलाकात उसी वक्त होगी जब हम चाहेंगे। कुर्सी पे होंगे हम और आप जमीन के नीचे बिलाल खान। शनवास ठोक दो शहनवास। जी जनाब। फायर। की फतह पर ये गोली उसके नाम। मेरा रंगी दे मेरा रंगी दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला मारी। मिशन कंप्लीट सर। कंग्रेचुलेशन। थैंक्स। कंग्रेचुलेशन। सर्जिकल स्ट्राइक के तहत सरकार ने उस हमले का बदला ले लिया, 18 के बदले 80 आतंकवादी ढेर। मगर अफसोस की बात यह है कि इसमें हमारे दो जवान शहीद हो गए, हमीद अंसारी और अमित सिंह। कर जा बेटा हमरे चुकैया, जा जाए लाल जंग जीत के आईया।
अपने खूनवा के बाबू हो, अपने खूनवा के बाबू, खूनवा में तू फनवा दे दा सजनी हो, सजनी हो सजनवा दे दा, जिंदगी के खजनवा दे दा, देसवा के करनवा अपने से नुरा के निशनवा दे दा माई हो। मर के भी अमर हो जाला, कफन तिरंगा जे के भेटाला, घर बासे ऊंचा होला वतन के दर्जा, हर वर्दी पर बाटे देसवा के कर्जा, कर्जा चुकावे